वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। नंबर्स की खूब खूब शुभकामनाएं। चूंकि 1 जनवरी को ये वीडियो बना रहे हैं तो आपको नंबर्स की बधाई और मुबारकबाद देना हमारा फर्ज है आपके अध्यापक होने के नाते। तो सभी को नंबर्स की खूब खूब शुभकामनाएं। 2020 से और भी अच्छा नंबर्स हो आपके लिए 2021। आप इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहें, करियर में आगे बढ़ें। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर आपका है और धीरे धीरे आपकी शिक्षा का दायरा बढ़ता हुआ बहुत अच्छा जाए, आप तरक्की के सोपानों पर पहुंचे, एक गुजारिश है ईश्वर से। और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल क्लास का ये वीडियो आपको बन रहा है पीपीटी पर, इससे रिलेटेड पीपीटी हम अपलोड कर चुके हैं, कल हमें इससे आपने पढ़ा, आपने दिखा भी होगा अगर आप देखते होंगे तो उसी से रिलेटेड वीडियो है, प्लांटिंग सिस्टम इन ऑर्चर्ड्स। ठीक है, ये लेक्चर 8 है, वॉल्यूम 4 है, 8वां लेक्चर है, वॉल्यूम 4 है, और कोर्स कोड वही FS111, इंस्ट्रक्टर वही पुराना आपका अंकुर शर्मा, डेजिग्नेशन EP हॉर्टिकल्चर। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्लांटिंग सिस्टम इन ऑर्चर्ड्स को, कि ऑर्चर्ड में मतलब उद्यान में हम प्लांटिंग सिस्टम कौन कौन से अपनाते हैं, कौन कौन से प्लांटिंग सिस्टम अपनाए जाते हैं। प्लांटिंग सिस्टम को सबसे पहले आपको समझा दें कि किस विधि से हमें उद्यान को लगाना है। उद्यान अगर हमने लगाना है, ऑर्चर्ड लगाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने आज पौधा लाए 10-20-50 और जहां हमारा मन किया वहां हमने लगा दिए, ना ही कोई उनकी डिस्टेंस है और ना ही प्रॉपर कैनोपी पे वो लगाए गए, ये सब चीजें तो है नहीं। तो एक पूरा प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया गया है प्लांटिंग सिस्टम को लेके, और उन प्लांटिंग सिस्टम्स को बाइफर्गेट किया गया है कि किस सिस्टम से अगर हम प्लांट लगाएंगे तो ज्यादा लगेंगे, इस सिस्टम से लगाएंगे तो क्या डिस्टेंस रहेगी, क्या चीजें किस लेवल पर हमको करनी होगी। तो चलिए हम पीपीटी को स्टार्ट करते हैं, इसके आउटलाइंस क्या है, इनके आउटलाइंस के बारे में जान लेते हैं। प्लांटिंग सिस्टम पहला है आपका स्क्वायर सिस्टम, दूसरा है आपका रेक्टेंगुलर सिस्टम, तीसरा है ट्रायंगुलर सिस्टम, चौथा है आपका हेक्सागोनल सिस्टम, पांचवा है आपका क्विंकन्स और डायगोनल सिस्टम, फिर है आपका कंटियो सिस्टम, और फिर है आपका हेसग्रो सिस्टम। कितने सिस्टम्स आपके हुए, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। ठीक है, जनरली आपको ये आपकी टिप पे होने चाहिए, आपको बिल्कुल याद होने चाहिए कि प्लांटिंग सिस्टम कितने होते हैं। कोई आपसे पूछे तो आप तुरंत बता सकते हो कि प्लांटिंग सिस्टम 7 तरीके के होते हैं, अंकुर शर्मा सर ने हमको ये पढ़ाए हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा होता है, स्क्वायर सिस्टम, दूसरा होता है रेक्टेंगुलर सिस्टम, तीसरा होता है ट्रायंगुलर सिस्टम, चौथा होता है हेक्सागोनल सिस्टम, पांचवा होता है क्विंकन्स और डायगोनल सिस्टम, इसके बाद में होता है कंटूर सिस्टम। ठीक है, और जो कि पहाड़ियों पर एकदम जो टेढ़े मेढ़े जिगजैग एरियाज होते हैं, कंटूर वहां पे अपनाया जाता है, एरिया को छोटे छोटे स्लोप्स में डिवाइड करके। फिर होता है आपका हेजग्रो सिस्टम। तो इन सिस्टम्स पर हमने पीपीटी को रन करेंगे और आपको समझाएंगे। फर्स्ट है आपका स्क्वायर सिस्टम। दिस इज अ मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग बीइंग फॉलोड बाय द ऑर्चर्डिस्ट थ्रू आउट द कंट्री। ये जो सिस्टम है ऑर्चर्ड को लगाने में काफी पॉपुलर या कहा जाए काफी फेमस सिस्टम है। ज्यादातर ऑर्चर्ड जो हमारे इंडिया अब्रॉड लगते हैं ऑर्चर्ड, वो प्रायः नॉर्मल कंडीशंस में जहां हमारे हर एक चीज की अवेलेबिलिटी होती है, किसी चीज की स्कर्सिटी नहीं होती, वहां जहां हर चीज की अवेलेबिलिटी होती है वहां पर ऑर्चर्ड स्क्वायर सिस्टम में ही लगाए जाते हैं। जैसा कि लिखा है कि दिस इज द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, ऑफ कोर्स ये सिस्टम ऑफ प्लांटिंग जो है इसका मोस्ट पॉपुलर पार्ट है, बीइंग फॉलोड बाय, इस्तेमाल किया जाता है बाय द ऑर्चर्डिस्ट बहुत से उद्यान शास्त्रियों के द्वारा थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व में ऑर्चर्ड लगाने के लिए ज्यादातर स्क्वायर सिस्टम को इस्तेमाल में लाया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो इज द सेम एंड प्लांट्स आर एट राइट एंगल, थस फोर प्लांट्स फॉर्मिंग अ स्क्वायर आर सीन थ्रू आउट द फील्ड। द डिस्टेंस बिटवीन प्लांट टू प्लांट, पौधे से पौधे और रो से रो के बीच में जो दूरी होती है पौधे की वो सेम होती है और सेम एंगल पर होती है, थस इसलिए फोर प्लांट्स फॉर्मिंग अ स्क्वायर
चार पौधे अपना स्क्वायर बना लेते हैं, एक तरीके से चार पौधों का स्क्वायर बना हुआ हमें पूरे फील्ड में दिखता है। क्या दिखता है? फोर प्लांट्स फॉर्मिंग अ स्क्वायर, चार पौधे स्क्वायर लिए हुए पूरे खेत में आपको दृष्टिगोचित होंगे या आपकी दृष्टि पड़ेगी। द मूवमेंट ऑफ मशीनरी इज अनइंटरप्टेड इन दिस सिस्टम। अगर हम अपने ऑर्चर्ड के अंदर मशीनरीज का मूवमेंट करें तो उसमें इंटरप्शन नहीं हो, अनइंटरप्टेड होती है। जो बीच में पाथ भी बन जाता है स्क्वायर सिस्टम में, मान लो हमको बीडिंग करनी है, होइंग करनी है, ठीक है, बीट कंट्रोल करना है हमको, तो जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं बीट को कट करने की, वो भी आराम से इजीली उसमें चल सकती है। ठीक है, किसी भी तरीके से हमारे फार्मर्स उसमें एंट्री कर सकते हैं, कोई भी इंटरकल्चर ऑपरेशंस हो, इरिगेशन के लिए भी अगर हमको ऑब्जर्व करना हो, पॉलिनेशन के लिए भी अगर हमको कोई आर्टिफिशियल सोर्सेस लगाने हो ऑर्चर्ड के अंदर, तो बहुत आराम से आवागमन हो सकता है। और जैसे कि लिखा है कि मूवमेंट ऑफ मशीनरी इज अनइंटरप्टेड इन दिस सिस्टम, यस। तो ये स्क्वायर सिस्टम हुआ। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगुलर सिस्टम। रेक्टेंगुलर सिस्टम भी कहीं हद तक स्क्वायर सिस्टम जैसा ही होता है, कुछ चीजें थोड़ा सा डिफरेंस होती है जो आप जानेंगे। दिस इज सिमिलर टू स्क्वायर सिस्टम। रेक्टेंगुलर सिस्टम स्क्वायर सिस्टम के सिमिलर होता है। दिस इज सिमिलर टू स्क्वायर सिस्टम विद ओनली डिफरेंस दैट, केवल अंतर वही होता है कि लाइन टू लाइन डिस्टेंस इज मोर देन द प्लांट टू प्लांट, थस फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। केवल ये अंतर होता है, वैसे तो ये एकदम स्क्वायर सिस्टम का कॉपी है, लेकिन अंतर ये होता है कि लाइन से लाइन की जो दूरी होती है वो ज्यादा होती है प्लांट की अपेक्षा, जिससे क्या है कि एक रेक्टेंगल बना हुआ दिखाई देता है। आपने 10th में 8th में ये रेक्टेंगल, हेक्सागोनल, स्क्वायर, ये सब आपने देखे होंगे अर्थमेटिक में, ठीक है। तो वही ऐसा सिस्टम है कि इसमें लाइन टू लाइन डिस्टेंस इज मोर देन प्लांट टू प्लांट, थस जिससे फॉर्म्स अ रेक्टेंगल, जिससे क्या है कि एक रेक्टेंगल बना हुआ दिखाई देता है। और स्क्वायर में क्या होता है, फोर प्लांट्स का एक स्क्वायर दिखाई देता है हमको, हर एक फोर प्लांट्स का स्क्वायर दिखाई देगा। रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि थोड़ी दूरी बढ़ जाती है जिससे वो रेक्टेंगल दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगुलर सिस्टम। क्या है? ट्रायंगुलर सिस्टम। इन दिस सिस्टम ट्रीज आर प्लांटेड एज इन रेक्टेंगुलर, बट द प्लांट इज सेकेंड, फोर्थ एंड अदर अल्टरनेट रोज कम मिडवे ऑफ द प्लांट, planted in the first, third and so on rows. In this system, इस सिस्टम में trees are planted, पौधों को हम प्लांट करते हैं rectangular स्वरूप में, but the plant in, लेकिन जो दूसरा चौथा seconds and fourth and other alternate rows, और भी जो alternate rows होती हैं, come midway of the plant, उसके midway आ जाती हैं, planted in the first, third and so on rows. Thus There will be one more plant in odd rows, that even number rows. Thus, these will be one more plant, जिसे एक ज्यादा पौधा odd जो rows होती हैं, then even number rows में बढ़ जाता है। Interculture becomes difficult in this system. इस system में जो triangular के through हम करते हैं, क्योंकि इसमें second, fourth के साथ साथ third, third उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ जुड़ाव है, और एक पौधा एक्स्ट्रा हो गया वो इंटरकल्चर ऑपरेशंस को खत्म कर देता है। जैसे निराई गुड़ाई करना है हमको, किसी मशीनरी के इस्तेमाल करके निराई गुड़ाई करना है, बहुत सी चीजें होती हैं इंटरकल्चर ऑपरेशंस से लेके इरिगेशन से लेके ट्रेनिंग से लेके पूरी, ये सारी चीजों में ये हिंड्रेंस पैदा करता है। और इसमें मूवमेंट ऑफ मशीनरी टोटली इंटरप्टेड, मशीनरीज का जो मूवमेंट होता है वो इंटरप्ट करता है। इंटरकल्चर बिकम्स डिफिकल्ट इन दिस सिस्टम विच कैन बी कैरीड आउट इन डायगोनल पोजीशंस, और जो डायगोनल पोजीशंस होती है उसमें ही कैरी आउट कर सकते हैं, ट्रायंगुलर सिस्टम में पॉसिबल नहीं रहता। तो स्क्वायर सिस्टम और रेक्टेंगुलर सिस्टम से थोड़ा टिपिकल सिस्टम है ट्रायंगुलर, नंबर ऑफ प्लांट्स थोड़े बढ़ जाते हैं मैं मानूंगा, लेकिन नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ने के साथ साथ जो और भी एक्टिविटीज होती हैं कि जो ऑर्चर्ड में की जानी चाहिए वो एक तरीके से इंटरप्टेड हो जाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे, हेक्सागोनल सिस्टम।
इन दिस सिस्टम हेक्सागोनल में इन दिस सिस्टम प्लांट्स आर प्लांटेड बाय फॉर्मिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल. जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है प्लांट उसको फॉर्म करते हैं. इन दिस सिस्टम प्लांट्स आर प्लांटेड बाय फॉर्मिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल. द डिस्टेंस बिटवीन द प्लांट्स रिमेन बिट सेम. जैसे स्क्वायर सिस्टम में प्लांट टू प्लांट और प्लांट से प्लांट की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी जो सेम करते हैं ना स्क्वायर सिस्टम में, इसमें ही लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्लांट्स रिमेन द सेम बट रो टू रो डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड. प्लांट से प्लांट की दूरी एकदम सेम रहेगी लेकिन रो से रो की दूरी को हम घटा देंगे. पौधे से पौधे की समान रखते हैं और रो से रो की डिस्टेंस को घटा दिया जाता है. दिस अकोमोडेट्स 15% ऑफ मोर प्लांट्स देन द स्क्वायर सिस्टम. तरीका कहीं हद तक स्क्वायर सिस्टम से बिल्कुल जुड़ता हुआ है लेकिन होता क्या है कि प्लांट से प्लांट की जो दूरी रखेंगे, जैसे हमने एक प्लांट को 4 मीटर पे लगाया है तो प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस को तो हम 4 मीटर ही रखेंगे लेकिन जो रो से रो के सिस्टम है हम उसको रिड्यूस कर देंगे. इसी का केवल ये बेनिफिट होता है कि 15% हमारे प्लांट हैं वो एक्स्ट्रा लग जाते हैं. किसमें? हेक्सागोनल सिस्टम. 15% प्लांट एक्स्ट्रा लग जाते हैं हेक्सागोनल सिस्टम. चलिए बात करेंगे हम कुनकंस और डायगोनल सिस्टम के बारे में. कुनकंस और डायगोनल सिस्टम. दिस इज फर्स्ट अ स्क्वायर सिस्टम. सबसे पहले ये एक स्क्वायर सिस्टम है बाय प्लांटिंग वन एडिशनल प्लांट्स इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन. ये बिल्कुल एज इट इज यही लाइन लिखी आती है कुनकंस में, देख लेना. और ये चीज हेक्सागोनल में पूछी जाती है, इस चीज को आप याद रखना, आगे आपके सामने भी आ जाएगा. मैं बता रहा हूं कि 15% प्लांट किस सिस्टम में ज्यादा लगते हैं. क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे कि 15% प्लांट किस सिस्टम में ज्यादा लगते हैं, तो आपको आंख बंद करके टिक कर देना है कि हेक्सागोनल सिस्टम में 15% प्लांट एक्स्ट्रा लगते हैं. अब आपसे पूछा जाएगा फिलर प्लांट. फिलर प्लांट किस में आता है? फिलर प्लांट का उदाहरण आपसे पूछा जाएगा कि दिस इज फर्स्ट स्क्वायर सिस्टम. इसको हम स्क्वायर सिस्टम ही कह सकते हैं बाय प्लांटिंग वन एडिशनल प्लांट इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. एक प्लांट आपका सेंटर में रहता है. ऐसी लाइन होगी पर आपको आंसर देना होगा कुनकंस. द फिलर ट्रीज हैविंग लेस लाइफ देन द मेन फ्रूट ट्रीज. जो बीच में पौधा रहता है उसकी लाइफ कम होती है. उसका केवल उद्देश्य पता क्या होता है? एडिशनल इनकम. ठीक है, इसको हम इस तरीके से वो भी कह सकते हैं कि जैसे हम वो नहीं करते हैं, जैसे मैंगो से मैंगो एक प्लांट लगाया, प्लांटिंग डिस्टेंस 10 मीटर. अब इसके बीच में हमने कोई शॉर्ट ड्यूरेबल क्रॉप लगा ली, उसमें जैसे लोबिया लगा लिया, मूंग लगा लिया, उर्द लगा लिया. ठीक है, जिससे हमको एक पूरा वो मिल जाता है, इंटरक्रॉपिंग हो जाती एकदम. तो ये इंटरक्रॉपिंग जैसा ही रहता है. एक जो फिलर प्लांट इसमें लगता है वो उसकी लाइफ कम होती है. ऑब्वियसली उसकी लाइफ कम क्यों रहेगी कि अगर हमने आमला के बीच में अगर हमने आम लगा दिया तो क्या मतलब फिलर प्लांट का? आमला के बीच में अगर हमने पपाया लगा दिया तो फिलर प्लांट हो गया. तो आमला से पपाया की वैसे ही लाइफ कम होती है. तो यहां वो सिस्टम है कि द फिलर ट्रीज हैविंग लेस लाइफ देन द मेन फ्रूट ट्रीज इज प्लांटेड एज एडिशनल प्लांट. फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल किन्नो और प्लम. किन्नो एक सिट्रस की वैरायटी है. किन्नो किन्नो मैंडरिन सिट्रस डेलिसियोसा इंटू सिट्रस रेटिकुलाटा. आगे आपको समझ में आएगा कि किन्नो क्या होता है. सिट्रस का एक तरीके से प्लांट है, सिट्रस प्लांट किन्नो. और प्लम इज प्लांटेड एज फिलर इन मैंगो एंड लीची ऑर्चर्ड. अब आपको पता है कि जो मैंगो और लीची है ये लॉन्ग ड्यूरेबल प्लांट्स हैं. मैंगो 40-40, 50-50, 80-80, 100 सौ साल तक चलता है. लीची भी चलता है 60 साल तक. लेकिन आपने देखा होगा कि जो सिट्रस प्लांट होता है वो ज्यादा से ज्यादा 5, 10 और 15 साल में खत्म हो जाता है. प्लम भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलता, 10, 12, 15 साल में हार्डली खत्म हो जाता है. तो हम इन लोगों की, इन प्लांट्स के बीच में एक शॉर्ट ड्यूरेबल प्लांट्स को एक तरीके से इंटरक्रॉपिंग के रूप में, फिलर प्लांट्स के रूप में लगाते हैं जिसका ड्यूरेशन भी शॉर्ट होता है और हमको उससे एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है, जिसे कहते हैं ना रिस्क और अनसर्टेनिटी.
तो रिस्क और अनसर्टेनिटी इन दो चीजों को रिड्यूस करने के लिए भी फिलर प्लांट हमारा एक बहुत ही अच्छा कंपोनेंट होता है, एक अच्छा फैक्टर होता है जो हमको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत मॉनेटरी रिटर्न दे देता है रिस्क और अनसर्टेनिटी कंडीशंस में। आपको पता है कि बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज जो होती हैं नेचर के द्वारा, कभी कुछ पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर पूरा एकदम गैम्बल ऑफ मानसून है, मानसून का जुआ है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर का ही पार्ट है हॉर्टिकल्चर। तो ऐसी कंडीशंस में एक सब्स्टिट्यूट बना के रखना पड़ता है कि मान लो मैनक्रॉप से अगर हमको कुछ नहीं मिला तो चलो फिलर से तो हमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वहां अनिश्चितताएं कम हो जाती है, अनिश्चितता का दायरा कम हो जाता है। द फिलर प्लांट्स आर रिमूव्ड व्हेन मेन प्लांटेशन ऑक्यूपाइज द होल स्पेस एंड फिलर्स स्टार्ट इंटरमिंगलिंग विद द मेन प्लांट्स। इंटरमिंगलिंग विद मेन प्लांट्स, अब इस चीज को समझना कि द फिलर्स आर रिमूव्ड, जो फिलर्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। क्यों? जब हमारे मेन प्लांट्स अपनी कैनोपी और अपने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स को स्प्रिट करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, तो जो फिलर्स होते हैं वो इंटर मिडलिंग करने लगते हैं, उनमें मिलने लगते हैं, उनकी शाखाएं उनमें मिलने लगती हैं। इंटरमिडलिंग का मतलब होता है एक तरीके से कंपटीशन करने लगते हैं, ठीक है, तो इसको इंटरमिडलिंग बोला जाता है। और हम ऐसी कंडीशंस में फिलर प्लांट्स को रिमूव भी कर पाते हैं, क्योंकि जो हमको एक उद्देश्य चाहिए था, मान लो हमने आम के बीच में पपाया लगा दिया एक फिलर प्लांट के रूप में, तो आम पपाया अगर हमने आज पौध लगाई उसकी, तो एक साल में डेढ़ साल में हमको उससे फ्रूट मिलने लगेगा, और बहुत ज्यादा उसकी लाइफ चलेगी तो दो साल तीन साल, आज से ज्यादा नहीं चल सकती। बनाना एक बार फ्रूटिंग करता है, ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स हमने शॉर्ट ड्यूरेबल लगा दिए। फिर जब 10 साल में आम का पौधा या लीची का पौधा अपने आप पे आएगा, तो वो अपना जो कैनोपी स्ट्रक्चर है, उसका जो कैनोपी है, उसका जो वेजिटेटिव कवर है, उसका जो वनस्पतिक आच्छादन है, वो ऊपर की तरफ बढ़ के विशालकाय बनेगा। ऐसी कंडीशंस में जो हमारे पास पौधा लगा होगा वो उसके साथ इंटरमिडलिंग करेगा, कंपटीशन करेगा, उसकी ब्रांच उसमें लगेगी, उसकी ब्रांच उसकी लगेगी, वो काड़ पैदा करेगा एक तरीके से उसके लिए, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका कंटूर सिस्टम। द ऑर्चर्ड्स आर प्लांटेड बाई दिस सिस्टम इन हिल्स और फुट हिल्स। आपको पहले बताया था कि जो हिल्स पहाड़ी है, जो टेढ़े मेढ़े क्षेत्र होते हैं ना, ठीक है, जो अंडुलेटेड टोपोग्राफीज होती है, वहां पर इसको लगाया जाता है टू रिड्यूस द चांस ऑफ सोइल इरोजन, ठीक है, जो भूक्षरण होता है उसके चांस को रिड्यूस कर दिया जाता है। कंटूर्स विद ऑलमोस्ट लेवल लैंड आर फॉर्म्ड। द लेआउट फॉर कंटूर्स इज स्टार्टेड फ्रॉम द लोएस्ट कंटूर फार्मिंग अ बेस लाइन एंड कैरीड अपवर्ड। इन द फुट हिल्स मोर और लेस लेवल्ड एरिया का सेपरेटली मार्क by forming strong ridges to hold water, ठीक है। कंटूर सिस्टम में कभी कभी कर दिया जाता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए या एक रिजेस बना दी जाती है उनके ऊपर, उन रिजेस में ही फिर हम मतलब प्लांट्स को लगाते हैं। तो ये तरीका कंटूर्स में जो मतलब जिनकी अंडुलेटेड टोपोग्राफीज होती है, जिनकी जो स्थलाकृति जो होती है, जो उसकी मतलब हम क्या आपको बताएं कि जो आकृति धरती की होती है, जमीन की जो आकृति होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, कहीं तो बहुत बड़ी ढाल है, कहीं बिल्कुल समतल है। ऐसी कंडीशंस में या तो हम रिजेस बना के करते हैं या फिर हम छोटे छोटे पार्ट्स में उनको डिवाइड कर लेते हैं, फिर हम पूरी भूमि से हमारा कोई मतलब नहीं होता, हम जो एक्टिविटी करेंगे वो हम एक पार्ट में करेंगे, ठीक है, ऐसी हर एक पार्ट में वही एक्टिविटी होती है और धीरे 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 उसमें कल्टीवेशन नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा हैज ग्रो सिस्टम। तो इन दिस सिस्टम प्लांट्स आर प्लांटेड वेरी क्लोजली इन रोज एट अ प्रॉपर डिस्टेंस। दिस सिस्टम इज बीइंग फॉलोड फॉर गुआवा एंड पोमग्रेनेट्स। हैज ग्रो सिस्टम मेनली आपका गुआवा और पोमग्रेनेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रोज टू रो ओपननेस प्रोवाइड द डिजायर्ड एरेशन एंड मूवमेंट इन द ऑर्चर्ड। द यील्ड कैन बी इंक्रीज्ड पर यूनिट एरिया ऑन दिस सिस्टम बाई अडॉप्टिंग सम टेक्निक्स। आफ्टर सेलेक्टिंग द लेआउट सिस्टम द बेस लाइन इज मार्क्ड बाई स्टेबलिंग लॉन्ग पोल्स along the path, road or any other permanent structure. From this line, by leaving one half of the planting distance from the baseline, another line is established. The position of the first plant is marked on this line
and subsequent points are marked by actually measuring the distance from plant to plant with a measuring tape. Another baseline is marked and on the other edge of the field at right angle to the first baseline or the first marked plant. Positions of the plants on the second line and the subsequent line are marked from the baseline. The long poles can be established at a desired distances on the second baseline. Four men are required to complete the layout. चार आदमी की जरूरत पड़ेगी तब ये लेआउट कंप्लीट होगा. नेक्स्ट है कि वन कीप्स द रोप टैप, सेकंड होल्ड्स द पीएक्स, थर्ड पोजिशन द पैक एट प्रॉपर साइड एंड फोर्थ टू अलाइन द रोज. द राइट एंगल एट द फर्स्ट बेस लाइन कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप. वन एंड ऑफ द टेप इज कैप्ड एट अ पॉइंट ऑन द फर्स्ट बेस लाइन एंड टैप इज स्क्वेज्ड अलोंग लाइन अप टू 3 meters. Then 4 meters on the second baseline and adjusting 5 meters to the point of start. This will form a right angle triangle. The second baseline is thus adjusted accordingly. Thus positions of all the plants are marked with the help of pegs. Now, Happy New Year and thank you class. Hope meet you soon.